और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। चैप्टर 9 चल रहा था और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था। इसमें अभी तक हमने 9.1 और 9.2 कर लिए, जो कि कुछ खास एक्सरसाइज नहीं थी। असली काम शुरू हो जाता है 9.3 से। ठीक है, 9.3 में थोड़े अलग क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग एलिमेंट्री कॉन्स्टेंट, सॉरी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए एंड डी। हर एक इक्वेशन में हमें कुछ कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहे हैं ए और बी, हमें उन कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है डेरिवेटिव कर करके। ठीक है, ये एक तरीका होता है। तो मैं मालूम नहीं, अगर हम कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कर देते हैं, वो कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाता है, उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन इन इक्वेशंस में से इतनी आसानी से डेरिवेटिव से एलिमिनेट होने वाला नहीं है कॉन्स्टेंट, तो वो करेंगे तो हो जाएगा वैसे। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर किसी इक्वेशन में एक कॉन्स्टेंट है तो हम उसका मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, दो कॉन्स्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, तीन कॉन्स्टेंट है तो तीन बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, चौथी बार करना अलाउड नहीं है, ये रूल है। जितने कॉन्स्टेंट होते हैं उतना डेरिवेटिव करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन। एक्स अपॉन में ए वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन। पहले तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स अपॉन में ए का, एक्स का तो डेरिवेटिव हो गया वन, प्लस वाई अपॉन में बी का, देखो वाई का तो हो जाएगा, पहले वन अपॉन बी तो ऐसे ही रहा, वाई का हो गया वाई डैश इक्वल टू में वन आ गया। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा ए बी और ये बन जाएगा बी प्लस ए वाई डैश इक्वल टू ए बी। ठीक है, हाँ सॉरी, उधर तो वन ही रहेगा। हाँ, ए बी को अब भेजेंगे, मैंने पहले गलती से ए की बार में भेज दिया था, तो ए बी उधर चला गया। अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट दिख रहे थे ए और बी, तो दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो देखो फिर से डेरिवेटिव करते हैं, बी का तो इस बार जीरो हो गया। हाँ, इधर देखो ए वाई का डेरिवेटिव पहले हुआ था, ए डेरिवेटिव और हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव डबल डैश आ गया। हाँ, उधर ए भी कॉन्स्टेंट है, जीरो हो गया। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू उधर जाके भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ए भी कॉन्स्टेंट नहीं है। देखो बी का डायरेक्टिव जीरो, ए वाई डैश का हो गया ए वाई टू डैश, ए उधर जाके जीरो, क्योंकि ए भी का कॉन्स्टेंट है और वो भी हमारा जीरो हो गया डायरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, इसमें भी हमें कितने कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहे हैं, दो। इसका मतलब हम इसका भी कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, दो बार। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, देखो वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई, वाई का हो गया वाई डैश। अब इधर बाहर एक कॉन्स्टेंट है उसे ऐसे रहने दो, अंदर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था उसका हो गया जीरो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग y का भी करना है, y का हो गया y डैश, बाहर a ऐसे चल रहा है, अंदर b स्क्वायर का हो गया 0, x स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, आप पहले a की मल्टीप्लाई में अंदर ले रहा हूँ 2y y डैश, देखो a की 0 से तो गायब ही कर दो, a की 2 से दे दो, एक टर्म कटती हुई दिख रही है तो काट दो, 2 से 2 गया, y y डैश माइनस का ax। अब एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों में यहाँ पर y एक अलग फंक्शन है और फर्स्ट डेरिवेटिव एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है और फर्स्ट डेरिवेटिव एक अलग फंक्शन है, तो दोनों में हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहले वाला एज इट इज
दूसरे आएगा डेरिवेटिव, डबल डैश आ गया, एक्स का हो गया ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन। ठीक है, आप देखो इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है, वाई डैश, वाई डैश, वाई डैश का स्क्वायर। हाँ इधर कुछ नहीं हो सकता, वाई और वाई डबल डैश ही रहेगा, माइनस का ए। ठीक है, माइनस का ए। आप देखो ये जो माइनस की ए की वैल्यू थी, ठीक है, ऊपर इस वाले पार्ट में डाल देना, एक काम करो माइनस ए की बजाय ए की वैल्यू निकाल लो, या फिर एक काम करो माइनस ए रहने दो, क्योंकि उधर भी तो माइनस ए, सीधे डाल देना माइनस ए की जगह। ठीक है, तो माइनस ए की वैल्यू मैं उधर डाल रहा हूँ, वाई वाई डैश, तो देखो उधर मैं माइनस ए की जगह डालूंगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, और होल ब्रैकेट के बाहर चल रहा है एक्स। अब जो तुम्हारे सामने इक्वेशन है उसके अंदर ना तो कॉन्स्टेंट ए है और ना ही कॉन्स्टेंट बी है। ठीक है, तो कभी कभी हमें इस तरह से कोटिंग भी करनी पड़ जाती है, कहने का मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव से बात बन जाए तो अच्छी बात है, कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाए अपने आप ही तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर हम वैल्यू निकाल के कुछ ना कुछ कोटिंग करेंगे जरूर, मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कभी कभी, तो हमें उधर वाई जो फंक्शन दे रखा होता है उधर से भी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, y इक्वल टू ए ई रेस पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x माइनस 2x। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, दो कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, दो बार। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं, y डैश देखो ये बन जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x, ये बन गया ना e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस, देखो माइनस लगा दो ना, मैं पहले ही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, e की पावर 3x का 3x e की पावर, और 3x का डेरिवेटिव 3, e की पावर माइनस टू एक्स का e की पावर माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स का डायरेवेटिव माइनस टू। ठीक है, अभी भी कोई कॉन्स्टेंट नहीं खत्म हुआ है, ठीक है अभी भी कोई कॉन्स्टेंट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बार और करके देखते हैं शायद कुछ बात बन जाए, डबल डायरेवेटिव करते हैं। ठीक है, देखो इसका हो जाएगा 9 ए ई की पावर 3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बी ई की पावर माइनस 2x डेरिवेटिव करने पर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने से शायद कुछ बात बन जाए। ठीक है, दोनों को ऐड करने से बात बन जाए या फिर माइनस करने से, एक काम करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखो वाई डबल डैश में से y सिंगल डैश माइनस कर रहे हैं, यहां से देखो मैं तुम्हें सीधा माइनस करके दिखा रहा हूं, 9 a e 3 x में से 3 a e 3 x चले गए, तो 6 a e 3 x बचेंगे ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी है, तो देखो 9 में से 3 गए 6, आप देखो 4 में से माइनस के 2 माइनस करे तो प्लस हो जाएंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ प्लस के 6 b e की पावर माइनस 2 x। आगे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक काम और एक चीज हो चुकी है, 6 कॉमन ले लो, और 6 कॉमन लेने से बात बन जाएगी, बताओ ये वाली टर्म जो थी और कुछ नहीं थी, ये वाई का फंक्शन ही था, तुम देख सकते हो, यानी कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ वाई, और ये तो हमारा कॉन्स्टेंट रिमूव हो गया, ये बन गई नई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी हमें इस तरह से वाई की वैल्यू पुट भी करनी पड़ जाती है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ काफी बढ़िया लग रहा है, ठीक है और इजी सा भी है, y इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx, इसमें भी हमें दो कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहे हैं,
और दो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, दो बार। ठीक है, तो देखो एक बार करता हूँ वाई डैश। हाँ इधर तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक अलग फंक्शन है और अंदर वेरिएबल एक अलग फंक्शन है। पहले का डेरिवेटिव ठीक है, दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। a का 0 हो गया, b x का मैं सीधा लिख दूं b आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ अब एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं, कर सकते हैं क्योंकि हम देखो जब एक बार डेरिवेटिव और कर रहे हैं उससे पहले एक काम करते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तब ज्यादा आसान हो जाएगा। 2e 2x की मल्टीप्लाई a से दे रहा हूं, ठीक है। अब आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, y डबल डैश देखो 2a तो कांस्टेंट ही ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का हो जाएगा, e की पावर 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 तो यहां पर बन जाएगा 4। अब इधर देखो 2b तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 2x, 2x का हो जाएगा 2 तो यहां पर 4 बन जाएगा। अब इधर देखो एक मिनट, इसके साथ तो दो फंक्शन थे, एक ये फंक्शन था एक ये फंक्शन था, प्रोडक्ट रूल लगेगा 2b बाहर ही रहेगा, अंदर प्रोडक्ट रूल लगा है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1। हाँ e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का हो जाएगा 2, याद रखना। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ बार बनती है। ठीक है, वैसे काफी टिपिकल सा हो रहा है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट भी रिमूव नहीं हो पाए अभी तक। खैर सॉल्व करते हैं, पहले 4a e की पावर 2x अंदर मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, 2 2 जा हो गया 4, 4b e की पावर 2x 2b की इधर भी दे दी 2b e की पावर 2x और 2b e की पावर 2x। ठीक है, देखो थोड़ा वो सॉल्व हो सकता है, तो देखो 4 2b e की पावर 2x 2b e की पावर 2x जुड़ जाएंगे रे दोनों, ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और एक काम करो देखो इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, इसमें से देखो 4 कॉमन है, e की पावर 2x कॉमन है तो e कॉमन ले लो, फोर गया e की पावर 2x गया a रह गया। ठीक है, और तुम्हारा 4 गया e की पावर 2x गया बी एक्स रह गया प्लस। ठीक है, और इधर से तुम्हारा ये जुड़ गए 4b e की पावर 2x हो गया। ठीक अब इसकी जगह तो वैसे डाल सकते हैं वैल्यू, बट इसकी जगह वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखते हैं। तो देखो इसमें हम इसकी जगह वैल्यू तो डाल सकते हैं, वैसे इसकी जगह ये देखो ये तो और कुछ नहीं है फंक्शन ही बना हुआ है, तो इसकी जगह जितना हो सकता है पहले उतना तो करें, y डबल डैश 4y और वो ऐसे चल रहा है 4b e की पावर 2x। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं यहां से b की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ 4y को इधर ले आओ और 4b को भी इधर भेज दो, सॉरी 4e की पार 2x को, उधर से b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को ये इसको ना इक्वेशन नंबर 1 क्या देना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन थी
उसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देना और वहां पर ये बी की वैल्यू डाल देना, और डाल के छोड़ देना, बस सॉल्व नहीं करना है। वैसे सॉल्व करोगे तो देखो ई की पार्ट 2x कट जाएगा, ठीक है, तो वो काट देना, इधर भी कट जाएगा, बी की वैल्यू डालोगे इधर भी कट जाएगा, ठीक है।